हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड जीएनएम फर्स्ट ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सब्जेक्ट रहेगा हमारा अनैटमी एंड फिजियोलॉजी तो इन इनटमी एंड फिजियोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले हम अनेटमी का पार्ट डिस्कस करेंगे उसके बाद हम फिजियोलॉजी का पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे तो कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो अनेटमी से बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब दावल जॉइंट अंडर द फलोइंग हेडिंग्स तो इसमें आपने इस नॉवल जॉइंट्स के बारे में बताना है इसमें कॉमन स्ट्रक्चर बनाना है बताना है आपने और इसके टाइप्स बताने विद एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब द स्टमक थर्ड क्वेश्चन है जिसमें डिस्क्राइब द पोजिशन सपोर्ट एंड ब्लड सप्लाई ऑफ यूट्रस ठीक है आपने पोजिशन बतानी है सपोर्ट बतानी है और ब्लड सप्लाई कैसे होती है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी इसमें नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्लवरी ग्लैंड इन डिटेल फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द ज्वाइंट विद एग्जाम्पल तो जैसे कि जॉइंट्स का पहले भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये आपने इसे हमेशा जरूर प्रिपेयर करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स है इसमें डिस्क्राइब द ग्रॉस एनेटमी ऑफ द स्टमक एट द एट अ नॉर्थ सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज क्वेश्चन नंबर सेवन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल एंड फीमेल दोनों ही पूछे जा सकते हैं और मोस्टली जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो हमेशा पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें डिस्क्राइब द हार्ट इन डिटेल क्वेश्चन नंबर नाइन है इसमें नेम द पार्ट ऑफ द excretory सिस्टम एंड डिस्क्राइब द किडनी इन डिटेल ठीक है एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में आपने बताना है और किडनी का भी आपने डिटेल में बताना है तो आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है अगर आप उसमें डायग्राम बनाते हैं तो वो काफ़ी जो है इम्प्रेसिव क्वेश्चन बन जाता है तो जितना हो सके आप कोई भी क्वेश्चन आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें डाइग्राम ज़रूर बनाइएगा क्योंकि डाइग्राम से जो है आपको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें डिस्क्राइब डिस्क्राइब द लीवर इन डिटेल एंड इट्स हिस्टोलॉजी ठीक है लीवर को आपने एक्सप्लेन करना है डायग्राम भी बना सकते हैं नेम द स्ल ग्लैंड एंड वेयर डू दे ओपन एंड डिस्क्राइब द पार्ट्रॉइड ग्लैंड इन डिटेल क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है क्लासीफाई द बोन्स विद एग्जाम्पल एंड माइक्रोस्ट्रक्चर एंड गिव द डिटेल अकाउंट ऑफ द ह्यूमरस एंड कनेक्टिव टिश्यू क्वेश्चन नंबर थर्टीन है पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटस्टाइन एंड डिफरेंस फ्राम डिफरेंस फ्राम द स्मॉल इंटस्टाइन एंड फीमोरल नर्व्स ठीक है द टेस्टस फ्लॉपिन ट्यूब तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लन करनी है इंटस्टाइन के बारे में बताना है लार्ज और स्मॉल में डिफरेंस बता सकते हैं आप फीमोरल नर्व्स बताना है आपने टेस्टिस के बारे में बताना है एंड फ्लॉपिन ट्यूब्स के बारे में बताना है तो जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपने एक्सप्लेन करनी है इसमें ठीक है फंक्शन बता दीजिए डायग्राम बना दीजिए ठीक है और इसमें आप थोड़ा सा डेफिनेशन दीजिए पहले सबसे पहले फिर उसका डायग्राम बनाइए फिर उसके फंक्शंस बता दीजिए तो इस तरह से आप क्वेश्चन को थोड़ा सा और भी लॉन्ग uh, बना सकते हैं नेक्स्ट आता है इसमें टिपिकली स्पाइनल नर्व्स एंड इट्स फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्पाइनल नर्व्स की फॉर्मेशन आपने बतानी है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है नेक्स्ट है मेड्यूला औबलुंगता के बारे में बताना है आपने नेक्स्ट आते इसमें पेरिटोनियम एंड इट्स फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें इन्यूमरेट डिफरेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिस्क्राइब द यूट्रस इन डिटेल यहाँ पर भी फिर से रिपीट क्वेश्चन हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा इन्यूमरेट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री सिस्टम डिस्क्राइब द स्टमक इन डिटेल ठीक है नॉट नॉटमिकल नर्वस सिस्टम के बारे में बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरॉयड ग्लैंड के बारे में बताना है एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें वेंट्रिकल ऑफ़ द हार्ट ठीक है यानी कि हार्ट का क्वेश्चन प्रिपेयर करना है उसमें जितनी भी जो भी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं वेंट्रिकल्स हैं वॉल्व्स हैं तो सारी चीज़ें जो है आपने यहाँ पर हार्ट का जो पूरा टॉपिक है वो आपने प्रिपेयर करना है इसके बाद आता है हमारा फिजियोलॉजी का पार्ट तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब द मैंसुरेशन साइकिल इन डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंसुरेशन साइकिल का इसे आपने छोड़ना नहीं है प्रिपेयर करना है डिस्क्राइब द मैंसुरेशन साइकिल इन डिटेल क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ में क्लासीफाई द ल्यूकोसाइट्स डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट्स नेक्स्ट है डिफाइन द लैंड स्टीनर लॉ डिस्क्राइब द आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड एड अ नोट ऑन द कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ आर एच इनकम्पेटिबिलिटी तो जब आप हार्ट वाला जो टॉपिक है जो यूनिट है उसे आप कवर कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक जो उसमें आपके कवर हो जाएंगे ब्लड से रिलेटेड सभी टॉपिक्स क्वेश्चन नंबर फोर है मैंशन द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड लिस्ट द हॉर्मोन्स क्रिएटेड बाय ऑल ऑफ द लिस्ट एंड फंक्शन ऑफ़ द कोर्टिसोल तो इंडोक्राइन सिस्टम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें सारे हॉमोन्स आ जाएंगे ठीक है और हॉर्मोन्स के आपने फंक्शन जरूर करने हैं इसके अलावा कुछ और अनेटमिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक्सप्लेन द एनेटमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन सेल तो सेल के बारे में सभी डिटेल में बताना है आपने इसका डायग्राम बनाना है इसकी जो ऑर्गेनल्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है इसके फंक्शन भी आपने एक्सप्लेन करने हैं तो क्वेश्चन को आप जितना चाहे बड़ा बना सकते हैं ठीक है डायग्राम डाल करके उसके फंक्शंस बता करके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें क्लासिफाई द नर्वस सिस्टम एंड राइट द नोट ऑन द न्यूरॉन्स ठीक है नर्वस सिस्टम के बारे में बताना है और न्यूरॉन्स भी आप बता सकते हैं ठीक है थीके? इसके फंक्शन बता सकते हैं इसका डायग्राम बना सकते हैं नेम द इंडोक्राइनिक ग्लैंड एंड डिस्क्राइब द थायरॉय ग्लैंड इन डिटेल शॉर्ट क्वेश्चन इसमें रहेंगे डिफाइन द टू टाइप ऑफ स्केलेटन नेम द मसल ऑफ मस्टिकेशन एंड लिस्ट द क्रेनियल नर्वस एंड नेम द पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम तो ये इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो बनेंगे एंड फिजियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसमें इनमेट द कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ सी एस एफ साइब्रोस्पाइनल फ्लूट एंड एक्सप्लेन द फिजोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टमक डिस्क्राइब द म्यूट्रिशन रिफ्लेक्स नेक्स्ट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बनेंगे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें वट इज सेलुलस एंड वट इज डेफनेस एंड डिफाइन द एक्रोमेलरिया एंड वट इज़ द डिस्मिनोरिया तो ये इसमें क्वेश्चन बनेंगे फिजोलॉजी uh, के तो इस तरह से आपका एनेटमी एंड फिजियोलॉजी के क्वेश्चन रहेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके यूनिट के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिट वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर सकती हूँ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अगर आपको यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वो भी मैं एक प्रॉपर वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर कर लूँगी तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आज का वीडियो रहेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग